सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे, अपना बैकग्राउंड जो है चूज़ करके यहाँ सिंपली ओपन कर लेंगे। और ये हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ से हम इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है सिंपल। यहाँ हमारा बन गया एड। यहाँ पे सिंपल फिल्टर में क्लिक करेंगे, ऊपर देख लेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर, ब्लर में जो है गाशियन ब्लर हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी कैपेसिटी है जो रख लेंगे हम 4.5 या 4.4 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सिंपली कर देंगे यहाँ से। अब थोड़ा जो है इरेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो इरेज कर देंगे इसको। इसको एकदम बढ़िया से आपको इरेज करना पड़ेगा ताकि फेक ना लगे। तो गाइस यहाँ पे हम इरेज कर चुके हैं इसको प्रॉपरली। तो यहाँ सिंपली इसको यहाँ से डन कर देंगे और इसको जो है राइट क्लिक करके मर्ज डाउन कर देंगे। इसको मर्ज डाउन हो गया है। तो यहाँ पे हम अपना मॉडल पीएनजी को जाएंगे, कटआउट कर जो किया था मेरा यहाँ पे है मॉडल पीएनजी। मैं इसको सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे लेकर छोड़ देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है मॉडल पीएनजी। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेस पे जाएंगे, रेस टूल सेलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे, जेट क्लिक करके इसको हल्का जूम करेंगे। तो परफेक्टली यूज करना है ताकि फेक ना लगे बिल्कुल भी। देख सकते हैं जूम करके कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। इसका एक फोटो लेयर यहाँ पे बना लेंगे। फिल्टर में जाएंगे, लिक्विफाई को सिलेक्ट करेंगे। ये टूल है जो अपने हेयर को सेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, अपने बालों को इसमें प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट में क्लिक किया, सिंपली ओके कर देंगे, हो गया इतना हमारा एडिटिंग। एंड लास्ट जो है हमारे देख सकते हैं यहाँ पैर एकदम मतलब इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली एक पीएनजी लगाएंगे, जो भी पीएनजी होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे जाके छोड़ दे रहा हूँ ऐसे। तो देख सकते हैं आ चुका है। एंड यहाँ इस पे ऑब्जेक्ट और सिंपली देखें यहाँ हो रहा है, कटआउट हो जाएगा जो शू है। देखिए अब जो बेस्ट पार्ट है उसको कैसे सही करें, लेसर टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सिंपली इस पे रख के और यहाँ से सिलेक्ट करते करते और राउंड यहाँ छोड़ देंगे। देखिए हो गया हमारा। फिर यहाँ से हल्का दिख रहा है उसको भी कटआउट कर लेंगे ऐसे अल्ट दबाकर। एंड यहाँ से कॉपी इसका बना लेंगे, एक क्लियर कॉपी जो है सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी। देखिए हमारा जो है शिफ्ट शू का एक क्लियर कॉपी बन गया है। सो नीचे वाले को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से सिंपली, डिलीट लेयर। देखिए हमारा जो शू है जो आ गया है। एंड अब इसको एडजस्ट करेंगे अपने पैर के तरफ, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे हम प्रॉपरली। इरेज करेंगे जो बाकी पार्ट है। पहले गाइस हम इसे इरेज कर चुके हैं, अब यहाँ से सिंपली क्या करेंगे इसको ऐसे ऐसे हल्का फुल्का
जो बाकी है वहाँ कर लेंगे। इसको जो है हल्का हल्का इसको भी हल्का इरेज कर देंगे और सिंपली यहाँ डन कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, मर्ज डाउन कर देंगे। यहाँ पे आएंगे और हल्का सा क्रॉप करेंगे जो ऊपर का पार्ट है, हल्का क्रॉप कर लेंगे। ये हो चुका है हमारा, इसको फ्लैट एंड वेज कर देंगे। इसका एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे पेस्ट, फिर फिल्टर, फिर हम इसमें कलर करेक्शन करने वाले हैं। हल्का सा गेन करेंगे तकरीबन 14, हाइलाइट्स थोड़ा सा कम कर देंगे -18, शेडो को तो हम निचड़ेंगे, वाइट ब्लैक्स को हल्का डाउन करेंगे, मैक्सिमम 23 भी रखेंगे, और वाइट्स जो है वो भी हल्का सा डाउन -12। बस इसमें हमारा लाइटिंग का हो गया। और जो है मेन कलर करेक्शन है यहाँ पे, ऑरेंज जो है ये आपको हल्का सा सेचुरेशन इसकी ऑरेंज की डाउन करनी है -18, और लुमिनेंस को हल्का बढ़ाएंगे ताकि फेस पे हमारा हल्का हल्का लाइटिंग आ जाए। देख सकते हैं लाइटिंग आ गया। इसको सिंपली यहाँ से को हल्का इंक्रीज करेंगे मैक्सिमम इतना, एंड यू को भी हल्का डिक्रीज करेंगे माइनस, और ल्यूमिनेंस को भी है जो हल्का माइनस रखेंगे इसको, एंड सिचुएशंस में आएंगे येल्लो को हल्का प्लस करेंगे और ग्रीन को भी हल्का प्लस करेंगे मैक्सिमम इतना, एंड ल्यूमिनेंस में जाएंगे येल्लो का डिक्रीज करेंगे माइनस, एंड ग्रीन भी माइनस हल्का, एंड यू को हल्का देखेंगे कितना मैक्सिमम इतना रखेंगे, और सेचुरेशन में आके इसको हल्का बढ़ा देंगे, एंड जाएंगे हम यहाँ ल्यूमिनेंस में, ल्यूमिनेंस में आएंगे और ग्रीन को है जो माइनस में हल्का मैक्सिमम इतना रख लेंगे, एंड आक्वा जो है उसको भी हल्का माइनस इतना तकरीबन रख लेंगे, और जो है सिंपली यहाँ पे आएंगे यहाँ एंड प्रीसेट में आएंगे, एंड नीचे जो है विंटेज का जो ऑप्शन है अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं लाइट रख लेता हूँ एंड सिंपली ओके कर देंगे। देख सकते हैं फोटो गाइस कितना अमेजिंग बन चुका है, एंड यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, मर्ज डाउन कर दें, फ्लैट कर देंगे, एंड सिंपली यहाँ से सेव कर लेंगे, सेव एस, एंड फाइल में JPG सेलेक्ट करेंगे एंड सेव कर देंगे। मैक्सिमम साइज कर लेना है एंड जो है स्टैंडर्ड पे ओके कर देना। सो गाइस हमारा फोटो शेव हो चुका है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, एंड मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।